नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। जीएसटी से आर्थिक व्यवस्था में तेजी आएगी, ये कहना है केंद्र सरकार का। व्यापारियों को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता को भी फायदा होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों को क्या फायदा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक संशोधक बिल तैयार किया है जिसपे जनता की राय शुमारी मांगी है कि खेती की क्या परिभाषा होने जा रही है, खेती पर जो कर लगेगा उसको लेकर सरकार किस तरह की वहां पर कार्रवाई कर सकती है, किसानों को कहां छूट मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीएमए अनिल शर्मा, जो कि जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीएसटी को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि इकोनॉमी में तेजी आएगी, व्यापारियों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, ये जीएसटी क्या है, कैसे देखते हैं आप इसको? नरेश जी, ऐसा है कि जीएसटी देश में कोई नई चीज़ नहीं है। पहली बार जो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जीएसटी के बारे में 2000 के अंदर बात करी थी, तो 2000 से लेकर आज हम 2016 में हैं, तो एटलीस्ट 16 साल हमें लग गए कि हम जीएसटी का जो असली रूप है वो देखने के काबिल हो गए हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी जो है बेसिकली वो जो गुड्स और सर्विसेज, जो भी देश के अंदर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, या कोई भी सर्विस दी जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी के दायरे में लगेगा। यानी कि इसलिए इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा हुआ है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है देश की वो ये है कि गुड्स के लिए टैक्स हमारे पास अलग हैं और सर्विसेज के लिए टैक्स हमारे पास अलग हैं। तो उपभोक्ता को सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता है और गुड्स के ऊपर गुड्स का सेल टैक्स या एक्साइज या इस तरह के जो टैक्स हैं वो अलग से देने पड़ते हैं। तो जीएसटी के आने से ये फायदा हो जाएगा कि हमारे कम से कम 20-22 टैक्स हैं वो सारे सीमित के एक टैक्स के अंदर आ जाएंगे, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो वो जो है वो लगभग सेम रेट्स के ऊपर गुड्स पे भी लगेंगे, सर्विस के ऊपर भी लगेंगे। तो इससे मैं नेचुरली ये कहना चाहूँगा कि ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसके आने से हमारा जो कर का जो ढांचा है देश के अंदर, जो टैक्स प्रणाली है देश के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँगा मैं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जो प्रणाली है देश के अंदर, उसमें काफ़ी सिंप्लिसिटी आएगी, काफ़ी चीज़ें आसान होंगी, जो आज उद्योग जगत को या किसी नॉर्मल व्यापारी को अलग अलग विभागों में, गवर्नमेंट के या अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है या लाइसेंस करना पड़ता है, वो कम से कम जीएसटी के आने से एक डिपार्टमेंट में ही उसको जाके उसके सारे काम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो उपभोक्ता है उसकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, क्या जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि अभी तक तो अमूमन ये देखा जा रहा था कि कर की जो चोरी है वो एक व्यापारी भी करता है और जो उपभोक्ता वो भी चाहता है कि मुझे बिल ना मिले लेकिन माल सस्ता मिले। नरेश जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापारी को इससे क्या फायदा होगा या कंज्यूमर को इससे क्या फायदा होगा। पहले अगर हम व्यापारी की बात करें तो मैं सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वे में एक लेमैन की तरह आपको समझाना चाहूँगा कि आज क्या होता है कि व्यापारी माल लेके आता है, उसको मान लो उसने 100 रुपये का माल लिया, उसके ऊपर उसको 12% टैक्स पड़ा, तो उसकी जो लैंडेड कॉस्ट है मटेरियल की वो 112 रुपये हो जाती है। तो 112 के ऊपर उसको फिर से सेल टैक्स देना पड़ता है, तो 5% या 10% फिर से सेल टैक्स देता है। तो यानी कि 100 रुपये का माल है, 12 रुपये उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, 112, तो 112 के ऊपर फिर से उसको सेल टैक्स देना पड़ता है 5% या 10% के हिसाब से। जीएसटी में आने से क्या होगा, जीएसटी में आने से ये फायदा हो जाएगा कि जो व्यापारी है उसको माल अगर वो 100 रुपये का उठाता है तो 100 रुपये के ऊपर ही उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी और 100 रुपये के ऊपर ही उसको सेल टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उसको एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इससे टैक्स का जो इफेक्ट है वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया नेटशेल कि व्यापारी को जो लैंडेड कॉस्ट हुई रॉ मटेरियल की वो सस्ती हो जाएगी। अब बात आती है कि व्यापारी से कस्टमर को कैसे या कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा। तो नरेश जी, ऐसा है कि जब मेरा रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं रॉ मटेरियल सस्ता लूंगा तो मेरा जो एंड प्रोडक्ट है वो भी मेरा सस्ता हो जाता है। तो सस्ता होने से वो एंड प्रोडक्ट जो मेरा कंज्यूमर को जाएगा, तो कंज्यूमर को इस तरीके से बेनिफिट होगा कि जो कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस के आ रहे थे वो कंज्यूमर तक नहीं जाएंगे, वो बीच में खत्म हो जाएंगे और कंज्यूमर को कुल मिला के एक सस्ती चीज़, यानी कि सस्ता गुड्स या सस्ती सर्विसेज अवेलेबल होंगी।
फिर दूसरी बात ये आती है इसमें, जो जीएसटी के आने से इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी के आने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जीएसटी के आने से एक बार तो इन्फ्लेशन आएगा, चाहे वो एक साल के लिए आता है चाहे दो साल के लिए आता है। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूं कि आज हम सर्विस टैक्स का रेट देते हैं 15%। सर्विस टैक्स का जो टैक्स रेट हम देते हैं किसी भी सर्विसेज के ऊपर, हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या अपनी कार की रिपेयर कराते हैं या टेलीफोन का बिल देते हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है 15%। ये आज से 2-3 साल पहले तक ये 12% था। गवर्नमेंट ने कहा कि हम जीएसटी लेके आने वाले हैं, तो जीएसटी को इंक्लाइन करते हुए हम 12% से 14% पे लेके आए, 14% से 15% पे लेके आ रहे हैं। और जो जीएसटी का नया लॉ आया है उसमें जो प्रपोजल है सर्विस टैक्स को लेके वो 18% के आसपास की है। तो जैसे ही मेरा सर्विस टैक्स का रेट 15% से 18% जाएगा, तो मेरी सारी सर्विसेज जो हैं, चाहे वो टेलीफोन की सर्विस है, चाहे वो मेडिकल सर्विस है, चाहे वो मेरी इंश्योरेंस की सर्विस है, चाहे मेरी कार रिपेयर की बात करते हैं हम या कोई और सर्विसेज भी हम इंडस्ट्री के अंदर भी जो सर्विसेज लेते हैं, वो सारी की सारी 15% से 18% जब टैक्स जाएगा तो कॉस्ट उनकी बढ़ेगी। तो ये जो कॉस्ट सर्विसेज की बढ़ेगी, ये किसी ना किसी वजह से मेरी जो इंडस्ट्री है या जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मैं जितनी भी अपनी सर्विसेज ले रहा हूँ वो महंगी हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है आपकी इन्फ्लेशन एकदम जीएसटी के आने से आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जीएसटी को अगर हम पूरे प्रोस्पेक्टस में देखें, पूरे फ्रेमवर्क में देखें, तो कुल मिलाकर ये जो कंसेप्ट है ये अच्छा कंसेप्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि अभी जो जीएसटी का स्वरूप आ रहा है वो स्वरूप पॉलिटिकल रीजंस की वजह से काफी डाइल्यूट हो गया है। तो ये ट्रू स्पिरिट में जीएसटी का स्वरूप नहीं है, इसको काफी डाइल्यूट किया गया है। तो उस डाइल्यूजन की वजह से जो है उसका बेनिफिट जो कस्टमर को या इकोनॉमी को या व्यापारी को होना था वो इस स्वरूप में उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो देश की सबसे ज्यादा आबादी, जो हमारा अन्नदाता है, किसान है, उसकी परिभाषा बदली जा रही है। खेती बाड़ी कौन करेगा, किसको फायदा मिलेगा खेतीबाड़ी का, इसको लेकर सरकार ने राय शुमारी मांगी है। तो क्या लगता है कि जीएसटी के बहाने किसान पर फिर एक मार पड़ने वाली है? देखिए, अगर मैं जीएसटी के अंदर एग्रीकल्चर की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी से एग्रीकल्चर में कोई इतना ज्यादा बेनिफिट आने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जीएसटी की वजह से किसान के ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। हमें पहले इसको पूरे उसको चीज को समझना पड़ेगा कि पहले बात तो ये कि जीएसटी के अंदर उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर कौन होगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति खुद अपनी जमीन जोतेगा, अपनी लेबर से या अपने रिसोर्सेज से अपने लिए जोतेगा, उसको हम किसान मानेंगे। अगर कोई, जैसे हम हमारे सिस्टम है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाते हैं, जिसको हम बट्टा बोलते हैं, कि बट्टे पे खेती करवाते हैं, और जो बट्टे वाली खेती या कॉन्ट्रैक्ट वाली खेती है वो जीएसटी के दायरे में आएगी और जीएसटी की वजह से उसके ऊपर टैक्स आएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं, या हम फ्लोरिकल्चर करते हैं या सेरिकल्चर करते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे रूरल एरिया में है, उसमें जीएसटी को उनसे बाहर रखा गया है उनको। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक किसान है जिस पर जमीन नहीं है, वो ठेके पर जमीन लेता है, तो उस पर दोहरी मार नहीं पड़ेगी कि वो उसको जीएसटी में लिया जाएगा कि उस पर अपनी जमीन नहीं है? तो या कोई इस तरह का भी सरकार कर रही है कि कितने जमीन की, अगर उसके पास जमीन है खेती करने के लिए उस पर जीएसटी लगेगा, या जिसके पास जमीन नहीं है वो ठेके पर ले रहा है उस पर नहीं लगेगा? हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा कुछ प्रावधान अभी तक सामने नहीं आया है। ये जो भी हम आज तक रिपोर्ट्स या हमारे पास लॉ आया है वो एक प्रोविजनल है, एक प्रपोजल है। इसको हो सकता है एंड वक्त पे गवर्नमेंट इसको चेंज करे, बट आज की डेट में जो प्लेन रीडिंग सामने आ रही है वो यही है कि अगर आप बट्टे पे या कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर रहे हैं तो उसमें जो इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है 20 लाख की, अगर उस तरह की 20 लाख की लिमिट को आप क्रॉस करते हैं कुछ ऐसा है, तो वो डेफिनेटली जीएसटी के अंदर आएगा। तो उससे जो जो ऐसा किसान या कोई ऐसा इंसान जिसके पास जमीन नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पे या बट्टे पे खेती कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से उस पर टैक्स आएगा। अनिल जी, एक सवाल है कि जो राय शुमारी मांगी गई है, आप हमारे कॉरेस्पोंडेंट टीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किसान अपनी बात रखें, उनको क्या चाहिए जीएसटी में, वो कैसे उस तक अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाएं, कानून निर्माताओं तक जो अभी जीएसटी का प्रारूप तैयार कर रहे हैं उनको पहुंचाएं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? देखिए नरेश जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, इसमें 60% पॉपुलेशन जो है कृषि के ऊपर ही आधारित है।
तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस सेक्टर को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और जीएसटी के अंदर भी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट या पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि इस जो ये जो फील्ड है हमारा एग्रीकल्चर का, जो किसानों का, इसको थोड़ा मनोबल मिले। क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारा कोर एरिया है, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधे सीधे इंपैक्ट करता है। तो अगर हमारा जो किसान है अगर वो अच्छा बनेगा तो नेचुरली वहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा और उसी की वजह से इकॉनमी जो हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो अगर सरकार की पॉलिसीज जीएसटी के अंदर भी अगर इस तरह की बन के आती हैं कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ लिया जाए तो डेफिनेटली उससे इकॉनमी बूस्ट करेगी और उससे ओवरऑल जो है देश के अंदर समृद्धि आएगी। तो ये थे अनिल शर्मा, जो जीएसटी एक्सपर्ट, जो कह रहे थे कि जीएसटी के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलेगा। और संभवतः जिस तरह की तैयारी सरकार लगातार कर रही है, तो अप्रैल के महीने से जीएसटी लागू हो सकता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में बस इतना ही।